हेलो बच्चों, जय माता दी। कैसे हैं? आज की क्लास में ITJEE 1999 का जो क्वेश्चंस हैं इसको डिस्कस करेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में ये बताया था कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन में अ स्ट्रिंग मास सिस्टम के दो चेक पॉइंट हैं। वेलोसिटी एट बॉटम अंडर रूट 5GL से यदि ज़्यादा या अंडर रूट 5GL के इक्वल हैं तब तो पार्टिकल अपने सर्किल को कंप्लीट करेगा। यदि वेलोसिटी एट बॉटम अंडर रूट 2GL के इक्वल या उससे लेस होगा तो पार्टिकल सिंपल पेंडुलम के रूप में बिहेव करेगा, और यदि अंडर रूट 2GL बॉटम में होगा तो वैसे सिचुएशंस में ये सेमी सर्कुलर ऑसिलेटरी मोशन कहलाएगा। और वेलोसिटी एट बॉटम भी यदि अंडर रूट 2GL से ज़्यादा अंडर रूट 5GL से कम होगा तो उसके बारे में भी हमने कंसेप्चुअली एक्सप्लेन किया कि ये हमारा मोशन के दौरान इसके टेंशन फर्स्ट जीरो होगी रदर देन वेलोसिटी बिकम्स जीरो। आज के क्वेश्चंस उन्हीं सारे कंसेप्ट और बेस्ड हैं। ए वेरी गुड क्वेश्चन डेट हैज़ बिन आक्स इन जई 1999। सो इन दिस क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन क्या हैं? सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के इन्फॉर्मेशन को गैदर्ट करें। ये पार्टिकल इज सस्पेंडेड वर्टिकली फ्रॉम ए पॉइंट ओ, इन दिस डायग्राम दिस पॉइंट इज ओ, बाई एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, मासलेस स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल इज इक्वल टू 4 मीटर। एन इज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, इट इज गिवेन 4 मीटर, और लेंथ मासलेस हैं, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है। ए वर्टिकल लाइन एम एन इज एट ए डिस्टेंस 3√3/8L। यानी यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किए गए हैं जो सेंटर से 3√3/8, यहाँ पे आर मतलब रेडियस जो एल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इतने डिस्टेंस पर ये ड्रॉ किए गए हैं। एज सोन फिगर, ए हॉरिजेंटल वेलोसिटी वी वी इज इम्पार्टेड टू द पार्टिकल एट बॉटम ड्यूरिंग द मोशन, इट सीजेस द सर्कुलर पाथ, यानी अपने सर्कुलर पाथ से यह डिविएट हो जा रहे हैं बट वेलोसिटी जीरो नहीं हो रहे हैं, एंड इवेंचुअली क्रॉसेज द लाइन एम एन हॉरिजेंटली। यानी इस क्वेश्चन का जो की पॉइंट है डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये सर्किल को लेफ्ट कर रहा है, इसका मतलब ये तो क्लियर है कि वेलोसिटी एट बॉटम अंडर रूट 2GL से ज़्यादा होगा और अंडर रूट 5GL से कम होगा, और जब ये सर्किल को लेफ्ट करेगा तो फिर इसकी पाथ क्या होगी, मोशन अंडर ग्रेविटी होगा। और मोशन अंडर ग्रेविटी मीन्स प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। ड्यूरिंग मोशन ये इस लाइन को जब क्रॉस करेगा तो इसका मतलब उस वक्त इसमें बोल रखे है उसकी वेलोसिटी हॉरिजेंटल है, यानी ये इस प्रोजेक्टाइल पाथ का मैक्सिमम हाइट को रिप्रेजेंट करेगा। सो इसी इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग बोला जा रहा है फाइंड आउट वेलोसिटी एट बॉटम। तो यहाँ पे हमें इस क्वेश्चंस को बनाने में सबसे पहले ये रिमेम्बर रखना है कि जब ये पॉइंट पी पर ड्यूरिंग मोशन अपने कॉन्टैक्ट को लेफ्ट करेगा तो उस वक्त हम जब फोर इक्वेशंस को लिखेंगे, सपोज ये एंगल बीटा पर कॉन्टैक्ट को लेफ्ट कर रहा है, व्हेन दिस मेकिंग एंगल बीटा ओवर द सर्कुलर पाथ, ये सर्कुलर पाथ से डिविएट हो रहा है और ये एंगल बीटा बना रहा है, इस वक्त की जो वेलोसिटी है उसको हम वीपी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे एट पॉइंट पी जब हम फोर्स इक्वेशन लिखेंगे तो टेंशन का वैल्यू जीरो पुट करेंगे, वेलोसिटी वीपी लेंगे। अब फोर्स इक्वेशंस में फोर्स क्या दिखाएंगे, यदि इस पॉइंट पर ओवर द सर्कुलर पाथ सेंटीपेडल फोर्स की बात करें तो जो एम जी का कंपोनेंट आएगा, एम जी साइन बीटा, एम जी साइन बीटा प्लस टी, जिसमें टी का वैल्यू हम जीरो पुट करेंगे, इक्वल टू एम वी पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल पुट करेंगे। यहाँ पर चूंकि क्वेश्चंस में ये एज सच इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है सो यू पुट टी इज जीरो हेयर, तो वेलोसिटी एट पी कितना निकल जाएगा, वी पी इक्वल टू अंडर रूट जी एल साइन बीटा। तो ये हमारा इस फर्स्ट इन्फॉर्मेशन जो दिए गए हैं
ये सर्कुलर ट्रैक लेफ्ट कर रहा है, इसका मतलब वहां पर टेंशन का वैल्यू हम जीरो पुट करेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट ये हमें देखना है कि हमें इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वेलोसिटी एट बॉटम निकालने के लिए। यदि हम ये बीटा कैलकुलेट कर लें समहाउ, इफ वी गेट बीटा, तो इस वीपी का वैल्यू हमें पता लग जाएगा, और फिर हम बॉटम में जो वेलोसिटी वीबी दे रखे हैं और पॉइंट पी के बीच में वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दें, यानी वर्क ऑफ ग्रेविटी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, टेंशन का वर्क नहीं होंगे बिकॉज टेंशन वेलोसिटी का ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा, सो यहाँ पर ग्रेविटी का वर्क बॉटम से ऊपर तक जाने में माइनस एम जी एल वन प्लस साइन बीटा इक्वल टू क्या जाएंगे एम वी पी स्क्वायर, यानी ये वैल्यू हमने लिखा वर्क ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, इस इक्वेशंस में इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी हाफ एम वी पी स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी हाफ एम वी वी स्क्वायर। हमें इस क्वेश्चन में हाफ एम वी वी स्क्वायर का वैल्यू पूछ रहा है, सो ये वेलोसिटी हम यदि इस इक्वेशंस को अरेंज करें तो देखें हमें क्या वैल्यू आता है। हमने अब तक के दो इक्वेशंस निकाला है, एक फोर्स इक्वेशंस में टी का वैल्यू जीरो पुट करने से ये वीपी आया था, और एनर्जी इक्वेशंस लिखने से हमें क्या वैल्यू आ रहे हैं, तो वी वी स्क्वायर इक्वल टू वी पी स्क्वायर, एंड ये वैल्यू इसको अरेंज करने से प्लस ये वैल्यू टू एम जी एल प्लस ये वैल्यू टू जी एल प्लस टू जी एल साइन बीटा, ये वैल्यू आ रहा है। एक बार इसको वापस चेक करें, यहाँ पर जो वैल्यू आ रहे हैं देखिए वी वी स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे, ये वैल्यू राइट हैंड साइड आएगा, तो ये हमारा इक्वेशंस आ जाएंगे। अब हम यहाँ पर वी पी के वैल्यू को यदि हम पुट करें तो वी पी का वैल्यू कितना दिया हुआ हमारा अंडर रूट टू जी एल साइन बीटा, ठीक है। एक बार फिर से रीचेक कर लें इस इक्वेशंस को, यहाँ पर क्या आएंगे वेलोसिटी एट बॉटम, यानी इसको लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो ये वैल्यू, और इसको राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये वैल्यू हो जाएंगे हाफ एम वी वी स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम वी पी स्क्वायर प्लस ये वैल्यू एम जी एल वन प्लस साइन बीटा, टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी वी स्क्वायर, ये वैल्यू वी पी स्क्वायर, ये वैल्यू टू जी एल वन प्लस साइन बीटा, ठीक है। तो ये हमारा जो वैल्यू आ रहा है, इस वैल्यू को यहाँ पर वी पी का वैल्यू यदि हम पुट करेंगे तो वी वी का वैल्यू ऑब्वियसली निकल जाएगा। वी पी का वैल्यू कितना है यहाँ पर, ये वैल्यू अंडर रूट जी एल साइन बीटा, तो जी एल साइन बीटा पुट करेंगे तो वी वी स्क्वायर इक्वल टू ये वी पी स्क्वायर का वैल्यू जी एल साइन बीटा, तो ये वैल्यू हो जाएंगे टू जी एल प्लस थ्री जी एल ये वैल्यू साइन बीटा। हमें यहाँ पर यदि बीटा का वैल्यू पता हो तो फिर आंसर हमारा निकल जाएगा। अब ये बीटा का वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इस इक्वेशंस में ये देखना चाहिए हमें, इस क्वेश्चंस में ये बोल रखा है कि पार्टिकल ओवर द सर्कुलर पाथ जब एंगल बीटा जो हमने एज्यूम किया है यहाँ पर अपने ट्रैक को लेफ्ट कर रहा है। अब देखिए जब ट्रैक को लेफ्ट करेगा तो टेंशन का वैल्यू जीरो होंगे, मोशन अंडर ग्रेविटी हो जाएगा वर्टिकल प्लेन में। अब जो फोर्स ऑनवर्ड रहेगा, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, एंड इसके बाद इसकी जो पाथ होगी वो पैराबोलिक पाथ होगी, यानी प्रोजेक्टाइल मोशन के जैसा ये हमारा मूवमेंट करेगा, ये ओरिजिनल पाथ को ये लेफ्ट करेगा। इसका मतलब ये हुआ इस क्वेश्चंस में, ये लाइन यदि इस प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम हाइट है जहां पर ये क्रॉस करने पर इसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल हो रही है, तो क्वेश्चंस के हिसाब से ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, तो थ्री रूट थ्री आर डिवाइडेड बाई एल, और ये देखना चाहिए ये लेंथ एल है, ये वैल्यू कॉस बीटा होंगे, एल कॉस बीटा, एल कॉस बीटा में रेंज के वैल्यू ये पूरा रेंज होंगे, और ये यदि मैक्सिमम हाइट है इसका मतलब यहाँ पर हम क्या बोलेंगे इस प्रोजेक्टाइल का ये रेंज का हाफ वैल्यू होगा, तो ये जो वैल्यू हमारा थ्री रूट थ्री आर बाई एट, ये आर है हमारा रेडियस, इसको हम एल से रिप्लेस कर दें, और ये हमारा क्या आ जाएगा ये लेंथ और ये लेंथ, ये पूरा लेंथ आएगा तुम्हारा एल कॉस बीटा माइनस जो रेंज होते हैं प्रोजेक्टाइल का, प्रोजेक्टाइल का रेंज क्या आएंगे यदि ये बीटा है ये वैल्यू हो जाएंगे बीटा, ये वैल्यू क्या आएगा 90 डिग्री माइनस बीटा, यानी यू स्क्वायर साइन टू थीटा होते हैं, तो ये वैल्यू 90 डिग्री माइनस बीटा होगा, तो ये वैल्यू टू टाइम्स 90 डिग्री माइनस बीटा डिवाइडेड बाई जी,
और नेक्स्ट इसमें हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये तो रेंज का फॉर्मूला होते हैं, हमें क्या चाहिए रेंज का हाफ वैल्यू। अब इसको यदि हम यहाँ पर वी का वैल्यू, यानी ये हमें ये वेलोसिटी क्या है, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर इस इक्वेशंस को थोड़ा हम अरेंज करें, देखिए क्या वैल्यू आते हैं ये इक्वेशंस में। ये वैल्यू आपका है 3√3L/8 इक्वल टू L cos beta। अब यहाँ पर L cos beta का मतलब इस डायग्राम को देखें, ये हमारा बीटा है, ये एंगल बीटा, ये मैंने बताया 90 - बीटा, और ये हमारा रेंज का हाफ होंगे। L cos beta माइनस ये वैल्यू हाफ। अब ये वी का वैल्यू यदि यहाँ पर पुट करेंगे अगले स्टेप में, यानी जिस वक्त ये लेफ्ट कर रहा है तो वहाँ पर की ये वेलोसिटी है प्रोजेक्टाइल का इनिशियल वेलोसिटी कहलाएगा। तो ये वैल्यू अभी एज इट इज रहने दें, यू स्क्वायर और साइन 180 डिग्री माइनस 2 थीटा क्या होते हैं, साइन 2 थीटा, यानी ये वैल्यू साइन 2 बीटा डिवाइडेड बाई जी, ये वैल्यू हमारा हो गया ये वाले टर्म। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट में हम इसको क्या लिखेंगे, 3√38L इक्वल टू ये वैल्यू L, ये वैल्यू cos बीटा और ये वैल्यू माइनस। देखिए अभी मैंने बताया था कि जिस वक्त ये अपना कंटैक्ट लेफ्ट होता है उसमें टेंशन का वैल्यू 0 पुट करते हैं, और ये वैल्यू आया था VP का वैल्यू mg, यानी MVP² डिवाइडेड बाई, यानी सेंटीपेटल जो एक्सेलरेशन होते हैं MVP² / L इक्वल टू mg। देखिए ये हमारा mg है, ये 90 - थीटा, इस तरफ आ जाएंगे mg cos 90 - थीटा, यानी साइन थीटा, यानी साइन बीटा हम बोलेंगे। तो ये जो VA² है वो बेसिकली क्या है हमारा, तो एम जी एल साइन बीटा है, एम से एम को हटा देंगे, ये वैल्यू हो जाएंगे आपका एम जी एल साइन बीटा। ठीक है, एम जी एल साइन बीटा और डिवाइडेड बाई ये स्क्वायर है इनटू एल, ये वैल्यू आ गए, और नेक्स्ट ये वैल्यू क्या है, साइन 2 बीटा डिवाइडेड बाई जी, ये एम तो होंगे नहीं और जी भी नहीं रहेंगे। अब इसके मतलब ये हो गया कि हमें इसको सॉल्व करके बीटा का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो 3√3/8 इसकल टू कॉस बीटा माइनस ये वैल्यू आ जाएंगे साइन बीटा, और ये वैल्यू क्या आएंगे 2 sin beta इंटू कॉस बीटा, और ये वैल्यू आपका डिवाइडेड बाई जी। ठीक है, जी से जी भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से ये देखें, ये वैल्यू sin²β है, ये वैल्यू कॉस बीटा है, और नेक्स्ट ये हमारा ऊपर में 2 और नीचे में 2, तो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो कॉस बीटा यदि बाहर निकालेंगे तो ये वैल्यू जाएंगे कॉस बीटा, और ये वैल्यू 1 - cos²β, और 1 - sin²β, 1 - sin²β का वैल्यू क्या होते हैं, तो cos²β, यानी ये वैल्यू किसके बराबर होंगे, cos³β के बराबर होंगे। cos³β का वैल्यू 3√3/8 है, इसका मतलब हम यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, 3 को हम पढ़ सकते हैं √3, और 8 का वैल्यू 2, यानी इसका हम क्यूबिक पावर करें तो हमें ये वैल्यू आ जाएंगे cos³θ, cos³β। तो बीटा इज कल टू क्या जाएंगे, cos³ चल टू √3/2, तो आप बताएं क्या वैल्यू आएंगे, ऑब्वियसली cos θ इज कल टू cos 30 जो होते हैं cos 61/2, यानी 30 डिग्री, यानी ये अपना कंटैक्ट लेफ्ट करेगा किस एंगल पर, एट एंगल 30 डिग्री पर। अब ये 30 निकल गए तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट करके वी का वैल्यू बता सकते हैं कि किस वेलोसिटी से इसको प्रोजेक्ट किया गया था। ठीक है, तो वो हम अब चेक कर लें, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई सभी बच्चों को। तो देखिए अब नेक्स्ट पॉइंट क्या करेंगे हम लोग, एल का वैल्यू 4 मीटर दिया हुआ है, और हमने बीटा का वैल्यू निकाला है यहाँ से cos β इसकल टू √3/2, तो बीटा इसकल टू 30 डिग्री, तो यहाँ पर साइन 30 पुट करेंगे, साइन 31/2। अब नेक्स्ट हम जो हमारा क्वेश्चंस का फाइनल एम है कि फाइंड आउट वेलोसिटी एट बॉटम, तो वेलोसिटी एट बॉटम का ये एक्सप्रेशन निकाले थे यहाँ पर वीपी का वैल्यू पुट करने के बाद ये इक्वेशन आया था। तो देखो ये वैल्यू अब फाइनली क्या जाएंगे, VB² वेलोसिटी एट बॉटम इज इक्वल टू 2g, एल को कॉमन ले लें, यानी gl भी हम चाहें तो कॉमन ले लें, जी इंटू एल, ये वैल्यू 2 + 3 sin β 1/2। sin β 1/2 का मतलब हो जाएंगे यहाँ पर ये वैल्यू कितना, 1.5, ये वैल्यू 2 + 1.5 यानी 3.5, 3.5 इंटू जी इंटू एल का वैल्यू दिया हुआ था 4,
इसका अंडर रूट करने से ये वैल्यू कितना आ रहे हैं वी भी, तो ये 40 इंटू 3.5, तो ये वैल्यू आएंगे रूट, ये जो दिया हुआ था क्वेश्चंस में, ये वैल्यू आएंगे रूट 14 मीटर पर सेकेंड। फिर से एक बार देख लें, ये वैल्यू जी में तो 35 इंटू 4 यानी रूट 140 मीटर पर सेकेंड, दिस इज वेलोसिटी गिवन एट बॉटम। सो ये क्वेश्चंस पिछला जो मैंने डिस्कस किया था बेसिकली उसी से रिलेटेड हैं। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चंस को वापस आप सॉल्व करिएगा एक बार सीधा करके, ये जो क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है आप इसमें ये डाटा ले लीजिएगा कि एक ऑब्जेक्ट को अंडर रूट 140 से फेंका गया जिसके लेंथ कितनी वैल्यू दी हुआ है 5 मीटर। तो पहले आप चेक कर लें अंडर रूट 5gl का मतलब कितना हो जाएंगे, यदि लेंथ हमारा 4 मीटर है तो अंडर रूट 5gl का मतलब ये जो वेलोसिटी है 5 इंटू जी इंटू एल, एल का वैल्यू 4, तो 4 इंटू 5 20 यानी ये वैल्यू, अच्छा ये कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहे हैं, लेंथ का वैल्यू हमने यहाँ पर कितना लिया है 1.5 प्लस 2 3.5, 3.5 4 इंटू जी यानी यहाँ पर ये वैल्यू आया कैलकुलेट करके बॉटम में वेलोसिटी 3.5 इंटू 4 यानी 14 डिवाइड बाई 10 140। 140 का वैल्यू अंडर रूट 5gl से लेस होना चाहिए, तो यहाँ पर एल का वैल्यू यदि हम 4 पुट करें तो 4 इंटू 5 कितना होते हैं 20, 20 इंटू 10 200, यस अब सही हो गया। यहाँ पर अंडर रूट 200 मीटर पर सेकेंड से कम है और अंडर रूट 2gl से ज़्यादा है, 2gl का मतलब हो जाएंगे 2 इंटू 4, ये 2gl लेंगे मतलब यहाँ तक पहुँचेगा, तो 2 इंटू एल, एल का वैल्यू हो गया हमारा 4, तो 4 इंटू 2 यानी 8, यानी रूट 80 से ज़्यादा और रूट 200 से लेस, यानी जब भी क्वेश्चंस को बनाएं तो पहले ये चेक पॉइंट ले लें। तो मैं कह रहा हूँ इस क्वेश्चंस को रिवर्स करके बनाओ, यदि यहाँ पर ये वेलोसिटी कितना दिया हुआ है अंडर रूट 140, तो आपको ये बताना है कि कहाँ पर ये कॉन्टैक्ट लेफ्ट करेगा, फिर इसकी मैक्सिमम हाइट क्या होगी। इसी क्वेश्चन में मैक्सिमम हाइट के लिए क्या करोगे, ये लेंथ अपने को पता है, ये लेंथ अपने को पता है, ये दोनों जोड़ देने के बाद आप क्या करो प्रोजेक्टाइल के इस हाइट से ऐड कर दो, तो क्या निकल जाएंगे मैक्सिमम हाइट का वैल्यू। आप पूछोगे प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम हाइट कैसे निकालेंगे, तो इसमें इसी क्वेश्चंस को जस्ट हम ये बता देते हैं बच्चे, थोड़ा सा आपकी सोच जो है इस क्वेश्चंस में बेटर हो जाएगी। ये क्वेश्चंस का आंसर तो हो गए, पर मैं बोल रहा हूँ यदि यहाँ पर इसकी बॉटम की वेलोसिटी कितना हो जाए अंडर रूट 140 मीटर पर सेकेंड, लेंथ कितना दिया होता 4 मीटर, तो सर्किल कंप्लीट करने के लिए मैंने बताया 5gl, 5gl का मतलब अंडर रूट 200 होना चाहिए, पर आपने क्या दिया है अंडर 140, और अंडर रूट 2gl का वैल्यू कितना होते हैं, तो l का वैल्यू 4 यानी रूट 80, तो यानी रूट 80 मीटर से ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं अपना कंटैक्ट लेफ्ट करेगा, तो आप क्या करना ये एंगल बीटा मान लेना, और जहाँ पर कंटैक्ट लेफ्ट करेगा इसका मतलब वहाँ पर t का वैल्यू 0 पुट कर दो, फिर सेंट्रिपिटल फोर्स mg साइन बीटा का वैल्यू mv स्क्वायर बाई l के बराबर कर दें, तो एक फोर्स इक्वेशन आ जाएंगे, दूसरा इन दोनों के बीच में एनर्जी इक्वेशन आ जाएंगे, उन दोनों को सॉल्व करने से क्या निकल जाएंगे बीटा का वैल्यू, यहाँ पर देखना बीटा का वैल्यू 30 डिग्री आ जाएंगे। अब ये 30 डिग्री आ गया, तो अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ के बाद ये यदि वेलोसिटी सफिशिएंट होता तो सर्कुलर पाथ पर मूव करता, पर वेलोसिटी यहाँ पर जरूर इस रेडियस का परपेंडिकुलर होगा, पर थोड़ा आगे बढ़ने से वेलोसिटी कम हो जाएगी, इसका मतलब ये सर्कुलर पाथ पर ऑनवर्ड मूव नहीं करेगा, यानी अब ये प्रोजेक्टाइल पाथ हो जाएगा, तो प्रोजेक्टाइल पाथ में यहाँ पर जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना बनाएगा, यदि ये 30 है तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ जो वेलोसिटी आया और ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 60 लेकर हम क्या करेंगे इस पाथ के लिए हम मैक्सिमम हाइट निकाल लेंगे, जो प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, तो उससे ये एच निकल जाएगा, ये वैल्यू आ जाएंगे तुम्हारा एल साइन थीटा, ये वैल्यू एल, तो मैक्सिमम हाइट यदि पूछता है तो इसका आंसर हो जाएंगे 4 प्लस एल साइन थीटा प्लस एच, एच का वैल्यू कितना है तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g, यहाँ पर थीटा के जगह पर क्या पुट करोगे बीटा, ये यू जो यहाँ पर की वेलोसिटी होगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे टोपलिंग मोशन के बारे में, रोटेशन डायनेमिक्स का एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं कि हम दीपावली जो आ रहा है फेस्टिवल में मम्मी बोलती है घर में अलमीरा को शिफ्ट करने के लिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस में घसकाने के लिए या टेबल को ही शिफ्ट करते हैं, समटाइम्स क्या ऑब्जर्वेशन होता है टेबल स्लाइड करने के बजाय टोपल हो जाते हैं टर्न हो जाते हैं, तो इस कंडीशन पर हम लोग डिस्कस करेंगे और उसी से फिर हम रोलिंग मोशन के बारे में लर्न करेंगे। थैंक यू बच्चों।